आज दिल याद करेगा ऑस्ट्रेलिया के बॉब क्रिस्टो को। ऑस्ट्रेलियाई मूल के बॉब क्रिस्टो का जन्म सिडनी में 1938 में हुआ था। असली नाम था रॉबर्ट जॉन क्रिस्टो। बॉब क्रिस्टो सिविल इंजीनियर थे, लेकिन अच्छी कदकाठी की वजह से मॉडलिंग भी कर लिया करते थे। एक बार मस्कट में होने वाले एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए वर्क परमिट का इंतजार कर रहे थे कि इसी दौरान टाइम मैगजीन में उन्होंने बॉलीवुड पर एक आर्टिकल पढ़ लिया। बस बॉलीवुड की कशिश बॉब को बंबई खींच लाई। बॉब को फिल्मों में पहला ब्रेक संजय खान की फिल्म अब्दुल्ला में मिला। फिल्म में उनकी खूब तारीफ हुई और काम मिलने लगा, पैर जमने लगे, जिसके बाद बॉब ने इंडिया में ही रुकने का फैसला कर डाला। हालांकि बॉब को ज्यादा बड़े रोल नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। अब्दुल्ला के बाद 90 के दशक तक बॉब ने कुर्बानी, कालिया, नास्तिक, मर्द, गिरफ्तार, मिस्टर इंडिया, गुमराह और प्रेम जैसी फिल्मों में छोटे छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट, याद रह जाने वाले रोल अदा किए। खास तौर से मिस्टर इंडिया का मिस्टर वॉलकॉट वाला किरदार आज भी लोगों की जहन में ताज़ा है। याद कीजिए वो डायलॉग, बाजरंग बाले मारता है बाजरंग बाले। दो दशक तक तकरीबन 200 हिंदी फिल्मों में काम करने वाले बॉब ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों से रिटायरमेंट लेने के बाद बॉब बैंगलोर स्थित गोल्डन पाम्स होटल एंड स्पा के फिटनेस सेंटर में डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे। इसके अलावा बॉब ने अपने जीवन पर आधारित किताब फ्लैशबैक माय लाइफ एंड टाइम्स इन बॉलीवुड एंड बियॉन्ड भी लिख डाली। लगभग 3 दशक तक भारत में रहने के बाद 20 मार्च 2011 को दिल का दौरा पड़ने से बॉब क्रिस्टो का बेंगलोर में निधन हो गया। बॉब क्रिस्टो के निधन के बाद उनके परिवार में रह गई उनकी पत्नी नरगिस तथा 2 संतानें सुनील और डोरियस। बॉब क्रिस्टो की पहली शादी से उनकी 2 बेटियां हैं, मोनिक और निकोल। आज हमने इस सेगमेंट में बॉब क्रिस्टो को याद किया। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।